नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में HMD Crest Max vs Infinix Hot 40 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Crest Max में 6.45 इंच जबकि Hot 40 Pro में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Crest Max में 3.01 इंच जबकि Hot 40 Pro में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Crest Max में 205 ग्राम्स जबकि Hot 40 Pro में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Crest Max में OLED जबकि Hot 40 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Crest Max में 6.67 इंचेस जबकि Hot 40 Pro में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Crest Max में 1080x2400px FHD+ और Hot 40 Pro में 1080x2460px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Crest Max में 85.78% जबकि Hot 40 Pro में 84.65% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Crest Max में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 40 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Crest Max में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 40 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Crest Max में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 40 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Crest Max में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Hot 40 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Crest Max में Mali G57 MP4 जबकि Hot 40 Pro में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Crest Max में Unisoc T760 और Hot 40 Pro में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Crest Max में 256GB जबकि Hot 40 Pro में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Crest Max में अप टू 256GB जबकि Hot 40 Pro में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Crest Max में Android V14 जबकि Hot 40 Pro में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Crest Max में 1 कलर्स जबकि Hot 40 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Crest Max 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Hot 40 Pro की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो HMD Crest Max में 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 40 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G04 4G है, दूसरा टेक्नो कैमन 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y 200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।